पल्सर 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 पल्सर, हाउ मेनी पल्सर डू यू वॉन्ट? नाउ दैट इज अ क्वेश्चन दैट इज बीन कमिंग अप इन माई माइंड बिकॉज बजाज इज नाउ ऑफरिंग 10 वेरियंट्स इन द पल्सर लाइनअप, राइट फ्रॉम द 125 ऑल द वे अप टू 220 एंड विद NS. हियर वी हैव गॉट टू ग्रेट ऑप्शंस, द NS160 एंड द N160 कमिंग एट द सेम प्राइस ब्रैकेट विद जस्ट अ डिफरेंस ऑफ 2000 रुपीज. विच वन मेक्स रियली अ परफेक्ट सेंस? We'll find it out today. Actually, both the motorcycles make sense for their particular manners, but the differences between both of them are quite a bit. Even my DOP right behind the camera asked, "Isme farak kya hai, yaar?" I'll tell you, farak kya hai. Let's go. Ab dono motorcycle mein design differences aur similarities bahut sari hain. सिमिलरिटीज इन अ वे कि अलॉयज का डिज़ाइन एग्जैक्टली सेम है. आप देख सकते हो कि कुछ कुछ बॉडी पैनल जैसे साइड के कवर्स आते हैं वो सिमिलर हैं, सेम नहीं है, लेकिन डिफरेंसेस भी उतने ही ज़्यादा है. यहाँ पे आपको वाइजर टाइप का चीज़ कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे आपको छोटा वाइजर कवर मिल जाता है मीटर के लिए. हैलोजन हेडलाइट का सेटअप, हैलोजन इंडिकेटर्स, यहाँ पे इंडिकेटर्स का डिज़ाइन थोड़ा अलग है, थोड़ा ऊपर है, लेकिन आपको प्रोजेक्टर LED मिलती है. तो हेडलाइट में फ़र्क डायरेक्ट आ जाता है, हैलोजन वर्सेस LED यहाँ पे हो जाती है. टेल लाइट में भी सिमिलर डिफरेंसेस मिलते हैं आपको. टेल लाइट का डिज़ाइन जो टू लाइंस जाते हैं वो सेम है, लेकिन दोनों का एंगल्स अलग है, तो उसमें और डिफरेंसेस आ गए. साइड के पैनल्स देखें तो पल्सर का लोगो वो एग्जैक्ट सेम है, लेकिन उसके नीचे का जो टैंक है, यहाँ पे आपको N160 में 14 लीटर्स का मिलता है, NS में आपको 12 लीटर्स का मिलता है. टैंक श्राउड्स भी अलग है, यहाँ पे आपको ऑयल कूल का कवर मिलता है, यहाँ पे आपको वो नहीं मिलता. यहाँ पे इसका NS में जो लेग गार्ड मिलता है वो थोड़ा बड़ा है, थोड़ा वाइड है, जबकि N160 में थोड़ा सा छोटा है लेकिन पतला है. अंडरबेली देखें तो अंडरबेली में फ़र्क है, इंजन में भी फ़र्क है. तो ओवरऑल ये दोनों मोटरसाइकिल्स में बहुत सारा फ़र्क है. इवन टायर्स का ही फ़र्क मिल जाता है आपको. दोनों में आपको साइजेस सेम मिलते हैं लेकिन दोनों का पैटर्न अलग है और दोनों का ग्रिप लेवल जो है उसमें भी डिफरेंस मिलता है. क्लस्टर की तरफ आते हैं तो दोनों में आपको एनालॉग डिजिटल क्लस्टर का सेट मिल जाता है, ये परफेक्ट चीज़ है, लेकिन दोनों का डिज़ाइन भी अलग है. यहाँ पे आपको इन्फिनिटी डिस्प्ले मिल जाती है, साथ ही साथ आपको सिमिलर सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलती है. जैसे मैं इसको चालू करूँ आपको एक वाइट बैकग्राउंड मिलेगी N160 में, जबकि एक ऑरेंज बैकग्राउंड मिलती है NS160 में. टेल लाइट्स का सेटअप मतलब है, सिमिलरिटीज भी है, डिफरेंसेस भी हैं, और ये दोनों मोटरसाइकिल सेम लाइनेज से आती है. चलिए इसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं और इसमें डिफरेंसेस क्या है मतलब वो समझ जाएगा आपने को. दिस वॉज द NS एंड दिस इज द N. आपको अगर डिफरेंसेस इफ यू कैन फील एनीथिंग लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. व्हाट आई कैन डेफिनेटली से इज दोनों में डिफरेंसेस है. किस तरीके से कि NS इज अ हायर रेविंग इंजन जबकि N160 इज अ लिटिल बिट स्लोअर रेविंग इंजन. बोथ द मोटरसाइकिल गेट अ 160cc मोटर बट द N160 प्रोड्यूसेस अ लिटिल मोर टॉर्क कंपेयर टू द NS, बट देन NS प्रोड्यूसेस लॉट मोर पावर. इट इज क्लोज टू 17 BHP, वेल द सेम ऑन द N160 इट इज जस्ट 15.48. So yes, there is a power difference too, and then the engine setup is also different because the NS is rev happy. It wants to go nuts. It gets an oil cool setup, plus it is a high end motor. So everything, every power, every juice that you want is closer to 6,000-7,000 RPM and above it. Well, the same thing for the N160. It is in the mid range, right from 3,500-4,000 RPM all the way up to 7,500 RPM. You get that punch. So lifting a wheel on the N is much easier can compared to the NS. But then NS corners really well. इसका जो suspension setup है इसमें फ़र्क दिख जाएगा आपको. यहाँ पर USD forks मिलते हैं, you get normal telescopic forks on the N. पीछे दोनों में monoshock मिलता है आपको, but then again NS gives you the gas charge forks, जबकि same N160 में वो conventional fork types है. Now both the motorcycles do get a side stand and a main stand setup, and दोनों motorcycles side stand में भी almost सीधी ही खड़ी रहती हैं. It is not like the Apache case जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा lean हो जाती है. However, there is a weight difference here also. The NS weighs 152 kgs, N160 weighs 154 kgs. Plus यहाँ पे overall differences जो हैं यहाँ पे ergonomics में भी आते हैं. तो let's check the ergonomics. When I talk about the seat height of the NS160, it is close to 805 mm, and the seat is a little rough and it is a little longer but a little bit thinner. However, you get a clip-on setup over here, and let me just hop my leg over it. You can see that the angle of this is a little bit leaned in. I'm not completely upright like this. I am little leaned in. यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, मेरा टमी है यहाँ पे टच हो रहा है. तो you get completely engaged with the motorcycle, and you get complete center set foot peg. So yes, this is a very tight and nice place to be on, and if you want to go corner craving you can do that यहाँ पे. But what about the pillion? क्या वो comfortable है या नहीं? तो मेरे साथ फैजल हैं, वो बैठ जाएंगे पीछे. यहाँ पे you notice one thing that rider को rubber footpegs मिल जाते हैं जबकि pillion के लिए it is metal footpegs. Same N160 में भी है.
थैंक यू फैजल, सही से बैठा, अच्छा लगा। एंड एज यू कैन नोटिस स्पेस है, लेकिन ये काफ़ी क्लोज बैठा है मेरे साथ। और सीट वाइड है क्या? एकदम कट टू कट आ रहा है, कट टू कट आ रहा है। तो इसकी सीट थोड़ी सी टाइट है, मतलब डिज़ाइन पहले से वही रहा है। एंड दिस इज़ मोर एग्रेसिव एंड मोर शार्प, दैट इज़ व्हाट आई कैन से। चलो उस पर चलते, देख गलत उतरा वापस। ठीक है, जैसे ही वी सिट ऑन द पल्सर N160, हाय, यू कैन सी द डिफरेंस दैट माय हैंड्स आर कम्प्लीटली स्ट्रेच आउट। आ जाओ बैठो, पिलियन की पहले बात कर लेते हैं जबकि ये फ्री हो जाए। यहाँ पे स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, थोड़ा ज़्यादा है, सीट थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है एंड इसका ग्रैबल भी थोड़ा वाइड है पकड़ने को, है ना। तो यहाँ पे अगर आप पिलियन लेके जाने वाले हो ऑन योर 160, तो यू विल एक्चुअली लाइक द N160 लिटिल बिट मोर, बिकॉज इट इज़ अ बिट मोर कम्फर्टेबल फॉर द राइडर एज वेल एज पिलियन। हो जाओ, थैंक यू। यहाँ पे यू कैन सी वन मोर थिंग, द फुट पेग्स आर ऑल्सो सेंटर सेट ओवर हियर, बट इट इज़ अ लिटिल बिट मोर क्लोजर। द सीट हाइट इज एट 795 mm, 10 mm लेस देन द NS, एंड द ग्राउंड क्लियरेंस इज ऑल्सो 5 mm लेस, विच इज़ अबाउट ओके। बट देन द राइडिंग पोस्चर, इट इज़ अ लॉट मोर अपराइट एंड द हैंड्स आर अ लॉट मोर कम्फर्टेबल ओवर हियर, बिकॉज देर इज अ हैंडल बार हियर, दैट वन हैज़ अ क्लिप ऑन। हियर आई कैन सी वन मोर थिंग, द लिड का डिज़ाइन इज ऑल्सो डिफरेंट, वहाँ पे थोड़ा स्क्वेरिश शेप आ जाता है, यहाँ पे इट्स अ कम्प्लीट राउंड शेप। सेकंड थिंग इज यू गेट अ USB चार्जर राइट ओवर हियर इन द सेंटर फॉर द N160, सो दैट इज़ अ प्लस। एंड देन N160 में यू गेट एन ऑप्शन ऑफ अ हेडलाइट बटन टू, विच मेक्स दिस मोटरसाइकिल ओनली DRL और हेडलाइट प्लस DRL सेटअप, जबकि फॉर द NS यू विल हैव टू कीप द हेडलाइट ऑन ऑल द टाइम, बिकॉज द मोमेंट यू टर्न इट ऑन इट स्टेज ऑन। तो बैटरी ड्रेन होने का चांस NS में थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पे यो कट ऑफ कर सकते हो, प्लस LED का सेटअप है। ओवरऑल आई फील दैट द NS इज अ स्पोर्टियर वर्जन ऑफ द 160, वाइल द N इज़ अ लिटिल बिट मोर कम्यूटर ओरिएंटेड। एंड ये सब छोटे छोटे डिफरेंसेस जो मैं कहता हूँ, ये स्विच गियर पे भी दिखता है आपको। N160 का डिज़ाइन इज़ लिटिल मोर न्यूअर, इट इज़ लिटिल मोर क्लासिक टाइप्स, बट द इंडिकेटर स्विच एज यू सी NS पे, ये थोड़ा पहले से आता था विद एन इंडिकेटेड बटन, साथ में क्लिक लाइक कट ऑफ बटन भी है। दोनों के हॉर्न में भी थोड़ा सा फ़र्क है, आपको सुनाता हूँ। ये NS है और ये N160 है, थोड़ा सा फ़र्क है, समझ में आ रहा है आपको? नहीं, देखो आप, इस ये हल्का सा बेसी है NS का। यहाँ पे एज यू कैन सी टेल के साथ साथ टेल टैडी का भी डिफरेंस है, बेसिकली जहाँ पे नंबर प्लेट माउंट होता है उसका भी डिफरेंस दिखता है आपको। जो टायर हगर है उसका साइज में भी डिफरेंस है, NS गेट्स अ बिगर टायर हगर कम्पेयर टू द N160, बट द N गेट्स अ बिगर साड़ी गार्ड एंड द सेम ऑन द NS इज अ लिटिल स्मॉलर, बट देन अगेन NS पे यू गेट अ साइड फुट रेस एंड दैट इज फॉर द पिलियन विच इज मिसिंग ऑन द N. ऑन द N160 यू डू नॉट गेट अ किक, बट ऑन द NS यू गेट वन। सो एट दी एंड ऑफ द डे, अगर आपको ये दोनों 160 में से कुछ एक ऑप्शन खरीदनी है, तो दोनों बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। इसमें आपको दो वेरियंट्स मिलते हैं दोनों वर्जन में, सिंगल चैनल ABS, ड्यूल चैनल ABS। ये एक और चीज़ है कि 160 में आप दोनों मोटरसाइकिल में ड्यूल चैनल ABS मिल जाता है, तो ओवरऑल बहुत ही सही आइटम है। तो आप कौन सी लेंगे, अपाचे प्रीफर करेंगे या पल्सर में थोड़ा कन्फ्यूजन बढ़ाएंगे? मैं तो कहूँगा कि पल्सर लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पे दोनों मोटरसाइकिल्स बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। अगर आपको कंप्लीट कंप्यूटर जाना है तो पल्सर P150 का भी एक ऑप्शन है, ये एक पेड वीडियो नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर जानी है कि दोनों मोटरसाइकिल्स वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल साबित होती हैं, क्योंकि जो परफॉर्मेंस ऑफर करती हैं, जो ऑप्शन ऑफर करती हैं, वो बहुत सही है। पल्सर NS160 में आपको सिर्फ दो ही कलर ऑप्शन मिलते हैं, वाइट या ब्लैक। N160 में आपको रेड, ब्लैक, ब्लू, ये सब कलर्स मिल जाते हैं। ब्लैक सिर्फ ड्यूल चैनल ABS के साथ आएगा और बाकी जो कलर्स है वो सिंगल चैनल ABS के साथ आते हैं। दोनों में प्राइस डिफरेंस सिर्फ 3,000 रुपये का है, जहाँ पे N160 उसके दोनों वर्जन में सस्ती है। 1,51,000 के आसपास उसका सिंगल चैनल आता है, 1,61,000 के आसपास उसका ड्यूल चैनल आता है, सेम 156,166। तो आप कौन सी लेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यहाँ पे दोनों ग्रेट ऑप्शंस है, कम्यूटरिश लिटिल बिट मोर फन कम्फर्टेबल, N160 मोर एग्रेसिव, मोर ट्रैक रेडी, ज़्यादा फीचर्स के साथ, मतलब सस्पेंशन का सेटअप थोड़ा बढ़िया होने के साथ साथ NS160। कौन सी बताएंगे, कौन सी लेंगे ये बताइए। थैंक यू, बाय।